सभी को जय मसीह। प्रभु की स्तुति हो इस समय के लिए जो परमेश्वर के वचन को आप लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। सो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करेंगे। मेरे प्रियो, आज हम पढ़ेंगे लूका किताब 16 अध्याय 8 और 9 पद। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहार में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। और मैं तुमसे कहता हूँ कि धर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो तुम्हें अनंत निवास में ले ले। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये कहानी हम देखते हैं, परमेश्वर ने स्वयं अपने मुंह से कहा है। ये जो है चौथा कहानी है। पहला, उसने एक चुंगी लेने वाले जकई के घर में जब परमेश्वर ने बैठे हुए थे, वहाँ पर जो है कुछ शास्त्री फरीसी जो है प्रभु यीशु के बारे में वो कुड़कुड़ा रहे हैं कि यीशु मसीह पापियों के साथ में रहता है। इसलिए यीशु ने उनके मन को, बातों को जानते हुए इस तरह से उन्होंने कहा कि कौन सा व्यक्ति है जिसको 100 भेड़ हो, एक भटक जाए, वो 99 को छोड़कर एक को ढूंढने ना जाएगा, या किसी को स्त्री को 10 सिक्का हो, एक खो जाए तो वो झाड़ पुहार करके और खोए हुए एक सिक्के को ना ढूंढेगी। और फिर उसने एक और उदाहरण इसमें दिया कि इसी मनुष्य को 2 बेटे हो और जो अपना भाग उड़ा दिया हो और पिता उसको न खोजता हो। मेरे प्रियो, इसके बाद परमेश्वर ये चौथा कहानी को चतुर भंडारी के बारे में कहा, ताकि परमेश्वर का जन जो है वो हमेशा चतुराई से काम करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस कहानी को इसलिए कहा, इस कहानी में जब हम शुरू से पढ़ते हैं, एक से उसमें देखते हैं कि एक जो है धनवान मनुष्य क्या करता है, अपने भंडारीपन का काम सौंप करके वो चला जाता है। लेकिन जब उसको पता चलता है कि मेरे भंडारीपन जो है वो अपने भंडारीपन के काम को अच्छी रीति से नहीं निभा रहा है, इसीलिए वो आ करके उसे लेखा लेता है। और जब उसके भंडारी जानता है कि मेरा स्वामी आया है और मुझसे भंडारीपन का काम वो ले लेगा, मैं अब भंडारीपन का काम नहीं करूँगा, उसको जब ये पता चलता है तो वो सोचता है कि मैं अब कोई काम कर नहीं पाऊँगा, मुझे भीख मांगने में तो शर्म आती है। सो उसने क्या किया, सावधानी से काम किया, चलाकी से काम किया कि बाद में जब भंडारीपन के काम से छुड़ाया जाए तो लोगों के नज़र में वो अच्छा रहे। इसलिए उसने क्या किया, अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, लोगों के सामने अच्छा रहने के लिए उसने चलाकी से काम किया। उसने बुलाया और लोगों को बुला करके पूछा कि तुम्हारा कितना कर्ज है। उसने कहा मेरा तो 100 मन तेल है। उसने कहा अपना खाता बही लेकर के 50 लिख दे। फिर दूसरे से पूछा तुम्हारा कितना कर्ज है। उसने कहा 100 मन गेहूँ। उसने कहा खाता बही ले और 80 लिख दे। मेरे प्रियो, उसके चतुराई को वो भंडारी ने देखा, इसीलिए वो धनवान व्यक्ति जो भंडारी है वो अपने इस दास को जिसको भंडारीपन का काम दिया था इसकी सराहना किया, क्योंकि ये धनवान व्यक्ति जो भंडारीपन का काम दिया था उसके भंडारीपन को चतुराई से करने के कार्यों को देख करके उसकी सराहना किया। वो नहीं चाहते थे, यीशु भी इसी प्रकार नहीं चाहते थे कि मेरे जो सेवक है वो बेईमान हो जाए, परंतु इस कहानी में वो अपने सेवकों को, अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे कि परमेश्वर के लोग जो है चतुर बन जाए। इस कहानी में परमेश्वर ने शिष्यों को बताया कि उनकी संपत्ति की उपयोग प्रभु के राज के उद्देश्यों के लिए
करने आवश्यक है। यीशु नहीं चाहता था कि उसके चेले बेईमान हो, परंतु वह यह सिखा रहा था कि उनको आवश्यक वस्तुओं को आत्मिक लाभ के लिए उपयोग करना चाहिए। बेईमान प्रबंधक ने कोई अच्छी बात नहीं की थी, परंतु उसने भविष्य के लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाई थी। अपने आगे को जीवन को सुखमय ढंग से जीने के लिए बेईमानी का काम किया था। धन को चेला का दास होना चाहिए, इसका विपरीत नहीं। चेलों को धन का प्रयोग मित्र बनाने के लिए करना है। इसी कारण से उस बेईमान प्रबंधक को धनी मनुष्य का धन प्रयोग किया था। अनंत निवासों में तब चेलों का स्वागत किया जाएगा जब बुद्धिमानी से राज के संदेशों पर विश्वास करके ग्रहण करने के लिए अपने धन को चेला लगाएगा। मेरे प्रियो, यही कार्य तो ये भंडारीपन ने किया। जब हम वचन के ओर जाते हैं, मत्ती के किताब में 25 अध्याय के 24 पद को हम पढ़ते हैं, क्योंकि यह उस मनुष्य की दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपना संपत्ति सौंप दी। और एफिसियों की पत्री 4 अध्याय के 11 पद में पढ़ते हैं, उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाला और कितनों को रखवाले नियुक्त करके और कितनों को उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर भी जब इस संसार से गए, उसने हम सारे मनुष्यों को जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और उनके शिष्य बन चुके हैं, वो इसी प्रकार से हम सभी मसीहियों को कुछ जिम्मेवारी दे करके गए हैं। सो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की जिम्मेवारी को समझना होगा। जब हम 1 कुरिन्थी 4:1 पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, हम मसीहों को प्रभु का सेवक एवं उनके वचनों को भले भंडारी को समझ चाहिए। सो हम परमेश्वर के भले भंडारी हैं, इस बात को हमें समझना चाहिए। परमेश्वर जो हमें इस कार्य को दिया है, हम परमेश्वर के भले भंडारी हैं। जिसको जो वरदान मिला है, उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारी की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाएं। 2 कुरिन्थी 5:10 जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखता है, क्योंकि आवश्यक है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। मेरे प्रियो, हम संसार में जो कुछ भी अपने जीवन के द्वारा करते हैं, परमेश्वर हमें जानते हैं, देखते हैं। इसलिए लूका 16:6 में कहता है, यदि तुम पराए धन में सच्चे न ठहरो तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन सौंपेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो हमें एक भंडारीपन का कार्य दिया है, उसको हम अच्छी रीति से करें, चतुराई से हम अपने आप को इस संसार में जीवन बिताएं, क्योंकि परमेश्वर
जब हम नीति वचन पढ़ते हैं उसमें अपने वचनों के द्वारा सिखाते हैं। छः से आठ तक पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, हे आलसी चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके न तो कोई न्यायी होता है, ना कोई प्रधान, ना प्रभुता करने वाला, तभी वह अपना हार धूप काल में संचय करती है और कटने के समय अपने भोजन बटोरती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चींटियों से हम सबों को सिखाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग को बुद्धिमान होने की ज़रूरत है, हमें आलसी बनने की ज़रूरत नहीं है। जब हम मत्ती किताब 19 अध्याय का 20 पद पढ़ते हैं, उसमें यीशु ने कहा, यदि तुम सिद्ध होना चाहते हो तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, चतुर मनुष्य ने उस भंडारीपन का काम चतुराई के साथ किया। उसको मालूम था हमारा भंडारीपन का काम हमसे ले लिया जाएगा। उसने चतुराई से कार्य किया। मेरे प्रियो, हम भी संसार में रहते हैं, हमें भी जो परमेश्वर ने कार्य को दिया है, सौंपा है, हम परमेश्वर के भले भंडारी बन करके परमेश्वर के राज्य बढ़ाने के लिए एक दूसरे की सेवा में लगाएं। प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम दूसरे पर दया नहीं करोगे तुम्हारे ऊपर भी दया नहीं किया जाएगा। मेरे प्रियो, हम दयावंत बने। हमारे पास जो कुछ भी परमेश्वर दिया है, हम परमेश्वर को भंडारीपन को सावधानी पूर्वक चलाकी के साथ हम प्रभु की सेवा में इस्तेमाल करें, एक दूसरे के भलाई के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, मत्ती किताब 5:7 पद में, धन्य है वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। जब उसने लोगों पर दया किया, उसके कर्ज को माफ़ किया, इसीलिए उस भंडारीपन का सराहना हुआ। जब हम भी संसार में रहते हैं, हम भी एक दूसरे पर दया करते हैं, परमेश्वर हमें भी उस भंडारीपन से सराहना करते हैं, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं और एक दूसरे के भलाई के लिए हम करते हैं। सो इसी बातों में परमेश्वर हम लोग को सराहना करते हैं। सो आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र सामर्थी पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। प्रभु, आप इस वचन के द्वारा हम लोग को तूने सिखाए। हे परमेश्वर, विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हे परमेश्वर, जितने भी आपके सेवकगण हैं प्रभु, जितने आपके दासगण हैं प्रभु, जो पिता आपने जो अपने भंडारीपन का काम को सौंपा है, हे प्रभु, होने दीजिए हरेक लोग परमेश्वर वो चतुराई के साथ एक दूसरे पर दयावंत बन जाएं, एक दूसरे के लिए प्रभु वो प्रभु आशीष का कारण बन जाएं, ताकि परमेश्वर, हे परमेश्वर, वो नीति वचन के अनुसार हे प्रभु लोग आलसी न बने, हर एक कार्य को बुद्धिमानी से करें। हे परमेश्वर, हर एक कार्य को प्रभु आपके वचन के अनुसार हो परमेश्वर, हे प्रभु, करने पाएँ, जैसा तूने कह कर गया, जो जिम्मेवारी दे कर गया, वो जिम्मेवारी को अच्छी रीति से बिताने पाएँ। धन्यवाद प्रभु, इस वचन के अनुसार सुनने वाले हरेक व्यक्ति को तू आशीष प्रदान करे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, आपने हमारी विनती सुने, धन्यवाद देते हैं। सारे आदर में आपका हाथ में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुनर दया से ग्रहण करें।
आमेन आमेन।